सर, पेपर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के क्या इसका इंट्रोडक्शन है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सर? इंडियन एग्रो एंड रिसाइकल पेपर मिल एसोसिएशन है, ये पूरे इंडिया में हमारे मेंबर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि पेपर इंडस्ट्री को कोई भी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व कराना, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से है कुछ, कोई नोटिफिकेशन कई बार ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इंडस्ट्री को दिक्कत होती है, हम अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और जैसे पेपर एक्स होता है तो पेपर एक्स में भी हमारा पार्टिसिपेशन होता है, टेक्निकल सेमिनार्स वगैरह जो करते हैं वो सब IRPM ही हैंडल करती है। क्राफ्ट पेपर और डुप्लेक्स पेपर का क्या मार्केट सिनेरियो देख रहे हैं सर आप आने टाइम में? देखिए, इस समय तो मार्केट सिनेरियो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी डिमांड कम है। पैकेजिंग पेपर चाहे डुप्लेक्स हो चाहे क्राफ्ट हो, इस समय कैश लॉस में पेपर इंडस्ट्री चल रही है। आने वाले टाइम में तो हम अच्छा ही समझ रहे कि अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल बहुत ख़राब है पिछले 1.5 साल से। मार्केट की पुअर परफॉर्मेंस के पीछे आप क्या रीज़न देखते हैं? मुझे जो लगता है क्राफ्ट में तो डिमांड कम है, डिमांड इसलिए कम है ऐसा लगता है देखने में कि लोगों की शायद बाइंग कैपेसिटी कम है, कुछ सामान कम बिक रहा है जिसकी वजह से पैकेजिंग के बॉक्स नहीं लग रहे हैं उसकी वजह से है। और डुप्लेक्स में कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा आई है, वेस्ट में प्रोडक्शन आई है, जैसे बहुत सारी पेपर मिले बड़ी बड़ी आई है वहाँ मोरबी में, वो यहाँ तक पेपर अपना डुप्लेक्स भेज रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, कुछ डिमांड भी कम है। जैसे क्राफ्ट पेपर में गवर्नमेंट ने नए सेक्टर्स खोल दिए, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक बैंस आ गए हैं, फूड सेगमेंट में पेपर का इंट्रोडक्शन आ गया, तो क्राफ्ट के पेपर कैसे डिमांड अभी भी डाउन है फिर? देखिए, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस तो निकाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसका बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। जैसे मैकडी है या हल्दीराम है, ये लोग तो उसे फॉलो कर रहे हैं। आप हल्दीराम पर जाइए, वहाँ प्लेट और जो कटोरी मिलेगी वो सब बगास पल्प की मिलेगी, या मैकडी में जाइए उसका जो बैग मिलेगा पेपर बैग वो भी क्राफ्ट पेपर का मिलेगा। लेकिन बाकी 98% लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, वो तो सब वो जो पन्नी आती है उसी का इस्तेमाल करते हैं, बारीक पन्नी का जो बैंड है। रिसेंट टाइम में सर वेस्ट पेपर के, इंपोर्टेड वेस्ट पेपर के में बहुत ज़्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन रहा है, उस फ्लक्चुएशन का सीवियर इंपैक्ट रहा पेपर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस पे, तो आपने उस इंपैक्ट को कैसे मैनेज किया, कैसे आप उसको सर्वाइवल देख रहे हैं? देखिए, पेपर में काफ़ी अप डाउन रहा वेस्ट पेपर में, अभी भी पड़ता नहीं है और मैनेज कर नहीं पाए हम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लॉसेज हैं। तो हम कोशिश करते हैं, अपने आप ही प्रोडक्शन कट कर रहे हैं इंडिविजुअल मिल, क्योंकि इतना पेपर बिक नहीं रहा, तो किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सब कैश लॉस में हैं। ओवर कैपेसिटी को कैसे देख रहे हैं सर आप, और उसका क्या सॉल्यूशन है कि सो दैट कि एग्जिस्टिंग प्लांट को प्रॉब्लम ना आए? देखिए, काफ़ी लोग कहते हैं ओवर कैपेसिटी है, एक दो चीज़ों को छोड़ के ओवर कैपेसिटी मुझे नहीं लगता है। जैसे क्राफ्ट है, तो क्राफ्ट में पिछले 5-6 सालों में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं आई है, लेकिन डिमांड कम होने की वजह से प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा कम है। अदरवाइज क्राफ्ट में जो प्रोडक्शन आई है वो इतनी नहीं है जो खप नहीं सकती थी, जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है जिसमें पैकेजिंग ज़्यादा लगती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी इस टाइम में कम है। फिर भी क्राफ्ट पेपर मार्केट का 7-8% का प्रॉमिस मार्केट है एवरी ईयर, फिर भी इसमें डिमांड क्यों नहीं बन पा रही है? वही कुछ इकोनॉमिक कंडीशन मुझे लगता है कि कुछ अलग है इस टाइम, शायद लोग ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन का तो हमने काफ़ी कैलकुलेट किया है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है। ये अच्छा, एक्सपोर्ट में रिसेंट टाइम में एक्सपोर्ट में काफ़ी डाउन आया है, अब ये एक्सपोर्ट का मार्केट का आप क्या सिनेरियो देख रहे हैं कि आने टाइम में ये डाउन कंटिन्यू रहेगा या एक्सपोर्ट खुलेगा सर? देखिए, जब एक्सपोर्ट बढ़ा था तो यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट हुआ, तो एक तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए। चाइना में मौका मिला तो वहाँ लोगों ने हाई एश कंटेंट के साथ माल भेज दिया, और उनका वो जो चाहते थे OCC 11 की पल्पिंग करके वो पेपर चाहते थे रिपल्पिंग के लिए, लोगों ने उसमें इंडियन वेस्ट पेपर मिला दिया, न्यूज़प्रिंट मिला दिया, शॉर्ट फाइबर का भेज दिया, तो अब वो लोग इंडिया से ज़्यादा माल नहीं लेना चाहते। उस टाइम तो उन्होंने किसी तरह चला लिया, वो ज़्यादा माल नहीं लेना चाहते, मेरी कई लोगों से बात हुई,
वो मलेशिया से ले रहे हैं, यूएसए से ले रहे हैं, कई चाइनीज़ ने यूएस में, कनाडा में मिले टेक ओवर कर लिए हैं, वियतनाम में बहुत सारी मिले उन्होंने लगा ली हैं, उनकी प्रायोरिटी वहाँ है, वो इंडियन क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, ये मेरा अपना निजी ख्याल है, जैसे मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है। जैसे आप देख रहे हैं सर, काफ़ी चाइनीज़ कंपनीज और ये मलेशियन या वियतनाम जैसे बता रहे हैं, इन्होंने यूरोप में अपनी अपनी कैपेसिटी को इंट्रोड्यूस करा दिया है, और हो सकता है आने टाइम में सारी जो आपका वेस्ट पेपर है उसको कंज्यूम कर जाएं, ऐसे कंडीशन में लॉन्ग फाइबर नहीं मिल पाएगा, ओसीसी शॉर्ट हो जाएगा इंडिया में, उस कंडीशन में इंडियन की क्वालिटी जो ऑलरेडी पुअर है और पुअर में चली जाएगी, तो एक्सपोर्ट तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा फिर आगे जाकर टाइम। एक्सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता कि हम एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल हो पाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी उस हिसाब से उतने सीरियस सारे के सारे नहीं है, कोई एक आध को छोड़ दो, एक्सपोर्ट का तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको फिलहाल नहीं लगता, लेकिन इंडियन मार्केट ही बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत सारी क्वालिटी ऐसी हैं जो कि हम यहाँ बना सकते हैं, वो बाहर से आ रही हैं, जैसे पेपर बैग है, पेपर बैग यहाँ लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेपर बैग क्राफ्ट लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना, कुछ यहाँ का कंज्यूम होता है, बाकी सब इम्पोर्ट हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी बनानी पड़ेगी, वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा ये नहीं कि उसे कम वम करके कुछ ऐसा कर लें, टेक्नोलॉजी अच्छी लगानी पड़ेगी। क्या एक इंडियन पेपर मिल कलेक्टिवली इंडिजिनियस फाइबर प्रोडक्शन का प्लान कर सकती है सर, सो दैट कि फॉरेन डिपेंडेंसी कम से कम रहे? देखिए, इंडिया में आज की डेट में 32 मिलियन टन की प्रोडक्शन है, जिसमें 18% एग्रोवुड एग्रोबेस बगास एंड वुड से है, बाकी 82% रिसाइकिल वेस्ट पेपर से है, जिसमें 9 मिलियन टन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वर्जिन फाइबर हमारे पास नहीं है, जो है वो इतना अच्छा नहीं है, एग्रोवुड का है या फिर बगास का है, लॉन्ग फाइबर तो हमारे पास है नहीं, तो या तो हमें सेकेंडरी फाइबर इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, या फिर यहाँ बगास बेस और वुड बेस मिलों को गवर्नमेंट थोड़ा प्रोत्साहन दे, हर आदमी के दिमाग में आता है कि पेपर मिल है तो पता नहीं कितने पेड़ काट रहे हैं और कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, जो प्रोडक्शन है वो भी सारी एग्रो वुड से एग्रो बेस से है, तो वो ऑलरेडी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, फिर टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है हमारे यहाँ अब कि उससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होता, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका प्रोत्साहन दे और जिससे कि हम अपना फाइबर खुद पैदा कर सकें, और इंडिया में कोई कारण ऐसा नहीं है, अगर इंडिया में हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं कोई कारण ऐसा नहीं है कि हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट ना कर पाएं, अभी भी केआर पेपर है, बिंदल पेपर्स हैं, ये लोग नैनी है, खूब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट हो जाएगा। मार्जिन डाउन है सर, ऐसी कंडीशन में क्या पॉसिबल है कि हम इन हाउस कुछ नया प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करें या कुछ नया रिटेल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं सो दैट कि मार्जिन इंप्रूव हों पेपर मिल्स के? देखिए, नया प्रोडक्ट कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब हमारे पास फाइबर अपना नहीं है तो उसे बनाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हम डिपेंडेंट हैं अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज पे, उनके उनके वेस्ट पेपर के लिए, जब ऑलरेडी चाइनीज कैपेसिटीज वहाँ पर आ रही हैं, जैसे 9 ड्रैगन्स आ रही हैं, वो इतनी बड़ी कैपेसिटी सारी को कंज्यूम कर लेंगे, वो इंडिया को देंगे नहीं फाइबर, तो कंडीशन क्या बनेगी सर, उस कंडीशन का सॉल्यूशन क्या निकलेगा सर? नहीं मिलेगा तो है, ज़्यादा रेट में मिलेगा, पेपर तो मिलेगा जितने रेट में खरीद रहे उससे ज़्यादा में मिलेगा, कॉस्ट कंपटीशन तो खत्म हो जाएगा, आप कैसे कम्पीट करेंगे इंटरनेशनल प्लेयर से, फिर डोमेस्टिक प्लेयर से कैसे करेंगे? नहीं देखिए, क्योंकि पेपर बहुत तरह के हैं, जो मैंने बात कही आपको वो कई बगास बेस, इंडिया में बगास बेस बगास बहुत है, पहले क्राफ्ट पेपर भी बगास से बनता था, अगर गवर्नमेंट थोड़ा प्रोत्साहन दे इंडस्ट्री को, किसान की आय भी ज़्यादा होगी, तो बगास बेस क्राफ्ट पेपर और बगास बेस वाइट पेपर, वाइट पेपर एक्सपोर्ट भी हो सकता है, क्राफ्ट पेपर उतना एक्सपोर्ट नहीं होगा, बगास बेस जो कटलरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है आजकल, उसकी अनएंडिंग डिमांड है, पूरी दुनिया में हम सप्लाई कर सकते हैं, हम चाइना से ज़्यादा प्रेफरेंस लोग इंडिया को दे रहे हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों में हमें आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है सर? गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, किसानों का भला चाहती है गवर्नमेंट, पेपर इंडस्ट्री के साथ बैठे एक बार और ये देखे कि हम पेपर इंडस्ट्री को कहाँ ले जा सकते हैं, जो किसानों का वेस्ट है उसे हम इस्तेमाल करके पेपर बनाए, बना रहे हैं अभी भी छोटी मात्रा में बना रहे हैं अभी,
और उसका एक यहाँ इंडिया को एक बहुत बड़ा हब बना दें पेपर का, और पूरी दुनिया में हम पेपर को एक्सपोर्ट करें। ये काम बड़े आराम से हो सकता है बगास कटलरी में और वेस्ट, और जो ये है बगास बेस्ड वाइट पेपर में। जैसे आप जानते हैं कि सब पेपर इंडस्ट्री जो रेड कैटेगरी में आती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, और ये एक रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्री है, काफ़ी पावर कोल को चाहिए होता है, तो ऐसे कंडीशन में कोई इंडस्ट्री का प्लान है सो दैट कि वो रिसोर्सेज को मिनिमाइज करे, सो दैट कि गवर्नमेंट का टेंशन पेपर इंडस्ट्री की तरफ आवे? देखिए रेड कैटेगरी में रखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए अब रेड कैटेगरी से निकाल देना चाहिए, ऑरेंज कैटेगरी में कर देना चाहिए, क्योंकि ये उतना ज़्यादा पोल्यूशन अब इसमें नहीं है। विद इन नॉर्म सारा जो है, जो चाहे एयर है चाहे वाटर है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हर मिल के अंदर, तो वो विद इन नॉर्म्स हम वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं और एयर का डिस्चार्ज भी विद इन नॉर्म्स है। तो जो पहले 10-15 साल पहले सोचते थे वो सोच तो अपनी बदलनी होगी, हमें भी, आम जनता को भी और गवर्नमेंट को भी, पहले देख लें हम क्या कर रहे हैं, फिर उस पर विश्वास करके इसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्या मानते हैं कि जो रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट पर पहुंच चुके हैं, इससे फर्दर नीचे जाने का चांसेस नहीं है? मतलब अब इससे ज़्यादा रिसोर्सेज इतने तो मिनिमम चाहिए, ऐसा मानते हैं आप, या फर्दर स्कोप है डेवलपमेंट का? नहीं, स्कोप तो हमेशा है, जब तक वो छोटी बैटरी सेल जो आते हैं, जब तक पूरी पेपर इंडस्ट्री उससे ना चल जाए तो तब तक तो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन का स्कोप है, और जब तक एक गैस के चूल्हे से हमारा बॉयलर चल जाए, गैस के एक सिलेंडर से छोटे से, तो जब तक जो है अभी जैसे एनसीआर पेपर मिल में, जो एनसीआर के अंदर जो पेपर मिल्स आती है, तो गवर्नमेंट उनको काफ़ी मतलब नॉर्म्स कंडीशन रखती है कि आप कोयला नहीं जलाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, पोल्यूशन होता है, और आप पीएनजी पे आ जाइए, हाइड्रोजन पे आ जाइए, तो उसको लेके अभी जो एनसीआर की और दिल्ली के आसपास की जो पेपर मिले हैं वो क्या ले रही हैं कि पीएनजी पर कैसे जाएं, पीएनजी बॉयलर्स पे या हाइड्रोजन पे, ताकि फ्यूल रिन्यूएबल फ्यूल मिले, या एनसीआर में जो पोल्यूशन की वो दिक्कत है जो गवर्नमेंट बार बार प्रताड़ित करती है यहाँ की पेपर मिलों को, उसको देख कर आप क्या लगता है कि क्या हो सकता है आगे जाके? देखिए गवर्नमेंट ने पीएनजी पर कन्वर्ट होने के लिए कहा, मोटी मोटी बात समझने की ये है कि हमारी पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, जैसे हमारे पास टर्बाइन्स हैं, करीब करीब पेपर की 15-20% कॉस्ट आती है फिनिश पेपर की। फिनिश पेपर अगर 25 रुपये है तो हमारी पावर एंड फ्यूल एनर्जी कॉस्ट हमारी आती है 4-5 रुपये के बीच में। अब अगर हम पीएनजी पे कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगी 15-20 रुपये के बीच में, तो वो जो कॉस्ट बढ़ेगी इतनी 10 रुपये किलो की, तो इतने तो मार्जिन भी है पेपर में, 1 रुपये का मार्जिन भी नहीं है, तो वो तो इम्पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट ये कहते हैं पीएनजी पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, तो हमें सबको अपनी मिलें बंद करनी पड़ेंगी। ओके सर, थैंक यू।